इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के टॉपिक पे, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डोअर। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओरिजिन पे। जो कॉन्सेप्ट है डोअर का, जिसको हम लोग उर्दू में मेहर कहते हैं, ठीक है, ये कहां से आया। तो मुस्लिम्स में जो मुस्लिम्स मैरिज है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिगर फॉर्म ऑफ मैरिज, दूसरा होता है बीना फॉर्म ऑफ मैरिज, और तीसरा होता है बाल फॉर्म ऑफ मैरिज। तो जो बाल फॉर्म ऑफ मैरिज है मुस्लिम्स में, इस मैरिज से ही जो कॉन्सेप्ट है डोअर का वो उत्पन्न हुआ है। अब इस फॉर्म ऑफ मैरिज में होता क्या था कि जैसे जो लड़का पक्ष है उसको मैरिज पे या मैरिज होने के बाद मुआवजा या फिर गिफ्ट देना होता था लड़की को या लड़की के पेरेंट्स को। तो ये जो गिफ्ट मुआवजा है इसी को हम लोग कहते हैं डोअर या उर्दू में मेहर, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है डोअर का या फिर मेहर का, ये बाल फॉर्म ऑफ मैरिज से आया है, ओरिजिनेट हुआ है। क्लियर, आपको समझ में आ गया ओरिजिन। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो डेफिनेशन को लेके है, ठीक है। अब डोअर का क्या मतलब होता है, तो देखिए आपको यह समझना होगा कि जो भी सम ऑफ मनी जो दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को मैरिज पे, उसको ही हम लोग उस सम ऑफ मनी को ही कहते हैं डोअर या मेहर। क्लियर है। अब ये दिया क्या जाएगा तो हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, तो कैसे, पहला तो बाय वे ऑफ एग्रीमेंट भी दिया जा सकता है, और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब यहां बाय वे ऑफ एग्रीमेंट तो आप लोग समझ रहे हैं कि जो मैरिज डीड बनेगा उसके अनुसार मेहर राशि फिक्स हो जाएगा, और वो राशि को जो है हस्बैंड को देना होगा लड़की या लड़की के पेरेंट्स को, ठीक है, आपको तो ये समझ में आ गया। लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये कैसे दिया जाता है, ठीक है, ये जो मेहर राशि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ दिया जाएगा ये कैसे होता है। तो देखिए आपको पहले एक इंपॉर्टेंट केस समझना होगा, वो केस है हुसैना बीबी वर्सेस जुबेदा बीबी का। इस केस में क्या हुआ, इस केस में यह कहा गया कि अगर मान लीजिए मुस्लिम में मुस्लिम मैरिज हुआ, ठीक है, और उस मैरिज में मेहर फिक्स्ड नहीं हुआ, बिना मेहर के फिक्सेशन के वो शादी हो गया, वो मुस्लिम मैरिज हो गया, तो क्या इस मैरिज को हम वॉइड मानेंगे, सुन्नी मानेंगे? नहीं। ऐसे हालात में भी वाइफ जो है इंटाइटल्ड होगी कि अपने हस्बैंड से वो ले सके प्रॉपर डोअर। तो ये जो प्रॉपर डोअर तय हुआ ये पार्टी के एग्रीमेंट के आधार पर तय नहीं हुआ, ये तय हुआ कोर्ट ने तय किया। तो कोर्ट ने जो तय किया वो कैसे तय हुआ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये जो फिक्स्ड हुआ मेहर राशि, प्रॉपर मेहर राशि जो भी फिक्स्ड हो, ये बाय कोर्ट फिक्स हुआ। तो इसी तरीके से जो मेहर राशि फिक्स्ड होता है इसको हम लोग कहते हैं कि मेहर, जो सम ऑफ मनी जो दिया गया हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, कैसे, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये समझ में आ गया आपको पॉइंट। तो ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है। बहुत सारे मुस्लिम ज्यूरिस्ट ने मेहर को, डोअर को डिफाइन किया है, जैसे महमूद जज का मैंने आपको उदाहरण बताया कि महमूद जज के अनुसार, ठीक है, जो मेयर है जो डोअर है वो क्या होता है, सम ऑफ मनी है विच वेयर पेएबल बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ऑन मैरिज आइदर बाय वे ऑफ एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। उसी प्रकार अमीर अली ने भी डिफाइन किया डोअर को या मेहर को, वो तो अमीर अली के अनुसार डोअर क्या है, ये मैरिज कंसिडरेशन होता है जो दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को या उसके पेरेंट्स को। क्लियर है। अब देखिए, अब यह बात क्या आ गया अमीर अली के डेफिनेशन के अनुसार कि मैरिज में दिया जाने वाला कंसिडरेशन। तो आपको यहां भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ याद रखना, वो है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में क्या कहा गया था, यह कहा गया था कि मुस्लिम मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, और सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कंसिडरेशन चाहिए। तो जो कंसिडरेशन है वो क्या है, वो है डोअर या मेहर राशि ही कंसिडरेशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट आपको। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब आते हैं फिक्सेशन के ग्राउंड पे, समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है डोअर का, ठीक है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं मुस्लिम्स का, तो मुस्लिम कम्युनिटी दो पार्ट में बटा हुआ है, बहुत सारे कम्युनिटी में डिवाइडेड है मुस्लिम्स। जो इंपॉर्टेंट दो कम्युनिटी है मुस्लिम्स में वो क्या है, सिया एंड सुन्नी। तो पहले हम लोग बात करते हैं सुन्नी का। सुन्नी कम्युनिटी में क्या होता है, जो मेहर है वो मिनिमम फिक्स्ड है, मैक्सिमम फिक्स्ड नहीं है। तो मिनिमम जो मेहर राशि होगा, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए सुन्नी कम्युनिटी में कोई शादी होता है तो उसमें जो हस्बैंड
जो अपनी वाइफ को जो कंसिडरेशन देगा मैरिज में, जो कंसिडरेशन देना है उस कंसिडरेशन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कंसिडरेशन मिनिमम फिक्स्ड है कि वो इतना दिरहम से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो लेकिन 10 दिरहम से कम नहीं होगा, 10 दिरहम अकॉर्डिंग टू हनाफी लॉ और 3 दिरहम अकॉर्डिंग टू आमिर अली, ठीक है, ये मुस्लिम ज्यूरिस्ट है, ठीक है, मिनिमम फिक्स्ड है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो जाए। क्लियर समझ में आ गया। वही दूसरी ओर जब हम लोग सिया का बात करते हैं तो सिया में मिनिमम जो है अमाउंट ऑफ डोवर वो फिक्स्ड है लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोवर फिक्स्ड है कि इतना डोवर से अधिक नहीं होना चाहिए जब सिया कम्युनिटी में शादी होगा, तो हस्बैंड के द्वारा जो डोवर दिया जाएगा सिया कम्युनिटी में वो इतना इतना डोवर इतना मेहर राशि से अधिक नहीं होना चाहिए, वो कितना है, वह 500 दिरहम, कम कुछ भी हो सकता है लेकिन 500 दिरहम से अधिक नहीं दिया जा सकता है मेहर राशि सिया कम्युनिटी में अगर शादी होता है तो। ये हो गया, क्लियर है फिक्सेशन के दृष्टिकोण से। और दूसरी ओर आपको जो पॉइंट नोट करना है कि हस्बैंड जो है मेहर राशि को बढ़ा सकता है घटा नहीं सकता है, उसी तरीके से वाइफ जो है मेहर राशि को कम कर सकती है बढ़ा नहीं सकती है, यहां तक कि वाइफ जो है अपने जो उसका जो राइट है डोवर को लेके उस राइट को वेव भी कर सकती है और इसको हम लोग कहते हैं हिबाए मेहर। समझ में आ गया पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट का कि जो ऑब्जेक्ट है डोवर का वो क्या है। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है डोवर का, आपको यह समझना है कि आखिर जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम्स में बाल फॉर्म ऑफ मैरिज के थ्रू जो कॉन्सेप्ट लाया गया डोवर का वो क्यों लाया गया। उसका पहला ऑब्जेक्ट क्या है कि आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम्स में डाइवोर्स लेना हस्बैंड के द्वारा बहुत ही आसान है, तो ये जो डाइवोर्स लेने का जो अधिकार मिला है हस्बैंड को, मुस्लिम हस्बैंड को आसानी से जो वो डाइवोर्स लेते हैं उसके इस अधिकार पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के पीछे ही ऑब्जेक्ट है डोवर का। अब वो कैसे कि जैसे मुस्लिम हस्बैंड डाइवोर्स लेगा तो उसको जो कंसिडरेशन है जो डोवर है वो देना होगा वाइफ को या उसके पेरेंट्स को, ठीक है, तो वो इस डर से डाइवोर्स नहीं ले सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि अनरीजनेबल ग्राउंड पे वो डाइवोर्स नहीं ले सकता है, ठीक है, ठीक है, या किसी छोटे मोटे बात पे वो डाइवोर्स नहीं ले सकता है क्योंकि उसको दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि अगर हम डाइवोर्स लेते हैं तो हमको मेहर देना होगा वाइफ को या उसके पेरेंट्स को। क्लियर समझ में आ रहा है पॉइंट। तो रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना डाइवोर्स पे। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है डोवर का वो यह है कि अगर एक बार मान लीजिए तलाक हो गया तो उसके बाद मुस्लिम वाइफ अपने अपना जो गुजारा भत्ता वो कैसे करेगी, तो जो मेहर राशि मिलेगा हस्बैंड के द्वारा ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज जो मिलेगा हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, तो उस मेहर राशि से ही वाइफ अपना गुजारा कर सके, ये भी जो ऑब्जेक्ट है डोवर का होता है, ठीक है। जो तीसरा ऑब्जेक्ट है डोवर का वो यह है कि एक प्रकार का रिस्पेक्ट शो हो सके हस्बैंड के पार्ट के द्वारा वाइफ के प्रति, इसलिए भी दैट मींस कि हस्बैंड जो है अपने वाइफ का रिगार्ड करे, अपने वाइफ का रिस्पेक्ट करे, ये भी ऑब्जेक्ट होता है डोवर का, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट आपको, ये था ऑब्जेक्ट के दृष्टिकोण से डोवर। अब आते हैं इसके काइंड्स पे। तो जब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डोवर का, तो डोवर जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है स्पेसिफाइड डोवर। स्पेसिफाइड डोवर क्या होता है कि जो सम ऑफ मनी जो दिया जाना है ऑन बाय वे ऑफ कंसिडरेशन ऑन मैरिज बाय द हस्बैंड टू द वाइफ, तो वो सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड फिक्स्ड हो जब मैरिज डीड बनेगा मुस्लिम्स का, तो उसमें मेहर राशि अगर फिक्स्ड है तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफाइड डोवर। और स्पेसिफाइड डोवर दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्रॉम्प्ट डोवर, दूसरा होता है डेफर्ड डोवर, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट डोवर क्या होता है, डेफर्ड डोवर क्या होता है, आपको ये समझना है। प्रॉम्प्ट डोर जो होता है वो दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को आफ्टर मैरिज, जैसे वाइफ डिमांड करेगी, ठीक है, वैसे ही हस्बैंड को देना है, क्लियर। लेकिन दूसरी ओर डेफर्ड डोर का बात करते हैं, तो डेफर्ड डोर जो दिया जाएगा हस्बैंड के द्वारा वाइफ को वो कब दिया जाएगा, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो यहां मैरिज डिसॉल्व बाय डेथ हो या फिर बाय वे ऑफ डाइवोर्स, अगर मैरिज डिसॉल्व हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैरिज डिसॉल्व होगा उसके बाद ही डेफर्ड डोर दिया जाता है। लेकिन जो प्रॉम्प्ट डोवर है वो कब दिया जाता है, जैसे मैरिज हुआ वाइफ ने मांग किया मेहर का तो वो मेहर देना होगा हस्बैंड को, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रॉम्प्ट डोवर, क्लियर है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो प्रॉम्प्ट डोवर में जो राइट होता है
वाइफ का वो होता है कॉन्टिंजेंट राइट, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट होता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, इंटरेस्ट की बात, इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट होता है प्रॉम्प्ट डोअर में वाइफ का वो क्या होता है कॉन्टिंजेंट, वहीं दूसरी ओर जो इंटरेस्ट होता है डेफर्ड डोअर में वाइफ का वो होता है वेस्टेड इंटरेस्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है पॉइंट। अब देखिए जो तीसरा, जो दोनों के बीच में आप अंतर भी कर सकते हैं प्रॉम्प्ट और डेफर्ड डोअर के बीच में, इस ग्राउंड पे आप अंतर भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रॉम्प्ट डोअर अगर नहीं दिया गया तो इस ग्राउंड पे वाइफ जो है रिफ्यूज कर सकती है कोहिबिट करने से, एटमीन्स अपने हस्बैंड को मना भी कर सकती है कि हम आपके साथ कोहिबिट नहीं करेंगे क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट डोअर नहीं दिया है। लेकिन अगर हम लोग वहीं दूसरी ओर बात करते हैं डेफर्ड डोअर का, तो डेफर्ड डोअर अगर नहीं भी दिया गया है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, तो वाइफ जो है कोहिबिट करने से मना नहीं कर सकती है अपने हस्बैंड को। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया काइंड्स के बारे में। तो ये तो हम लोग समझ गए कि ये स्पेसिफाइड डोर हो गया, और स्पेसिफाइड डोर के अंतर्गत प्रॉम्प्ट और डेफर्ड डोर आया, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रॉपर डोर। प्रॉपर डोर का जो कॉन्सेप्ट वो कब अप्लाई होता है, जब कोई मुस्लिम मैरिज हुआ, मुस्लिम मैरिज तो हो गया, उसमें मेहर राशि फिक्स्ड नहीं था या फिक्स्ड नहीं किया गया, तो भी वो मैरिज वैलिड माना जाएगा, ठीक है, और वाइफ जो है इंटाइटल्ड होगी अपने हस्बैंड से कुछ ना कुछ जो प्रॉपर जो भी मेहर मिलना चाहिए वो उचित मेहर उसको मिलेगा, ठीक है, और मैरिज वैलिड ही माना जाएगा। और ये मैंने आपको इससे रिलेवेंट केस लॉ भी मैंने आपको बताया था, हुसैना बीबी वर्सेस जुबेदा बीबी का केस, ठीक है। तो हम लोगों ने काइंड्स पे भी बात किया, ठीक है, स्पेसिफाइड डोर के अंतर्गत प्रॉम्प्ट डेफर्ड डोर आता है, और दूसरा होता है प्रॉपर डोर जिसको हम लोग कस्टमरी डोर भी कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, माफ कीजिएगा छठा पॉइंट, छठा पॉइंट है नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ डोर। अगर मान लीजिए हस्बैंड जो है वाइफ को डोर नहीं देता, मेहर राशि नहीं देता मैरिज होने के बाद, तो यहां पे वाइफ के पास इस ग्राउंड पे क्या क्या अधिकार होगा, या फिर आप यूं समझिए कि जो डोर नहीं दिया गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला कि वाइफ जो है मना कर सकती है टू कोहिबिट, दैट मीन्स अपने पति को इनकार कर सकती है कि हम आपके साथ कोहिबिट नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमको मेरा मेहर नहीं दिया, इस ग्राउंड पे वो मना भी कर सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि पोजीशन को रिटेन भी कर सकते, दैट मीन्स कि मान लीजिए हस्बैंड का कुछ प्रॉपर्टी वाइफ के पास है, ठीक है, डोर फिक्स्ड हुआ, मैरिज हुआ, मैरिज होने के बाद कुछ प्रॉपर्टी जो है हस्बैंड का वाइफ के पास है, और यहां पे जब तक हस्बैंड का प्रॉपर्टी वाइफ के पास था उस दरमियान अगर हस्बैंड जो है नहीं दिया डोर नहीं दिया, ठीक है, तो अपने डोअर का मांग करने के लिए वो तब तक अपने हस्बैंड का प्रॉपर्टी अपने पास रख सकती है जब तक उसको उसका मेहर राशि या जो डोअर है जो मैरिज कंसिडरेशन जिसको मिलना था वो नहीं दिया जाएगा, तब तक वो हस्बैंड के प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख सकती है। तो आपको यहां क्या समझना है कि जो पहले से प्रॉपर्टी हस्बैंड का वाइफ के पास है उसी को वो रिटेन करके रख सकती है, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड का वाइफ के पास नहीं है, डोअर को हस्बैंड नहीं दिया और वाइफ जो है बाद में हस्बैंड का प्रॉपर्टी ले ले और उसको अपने पास रिटर्न करके, ऐसा नहीं, नॉन पेमेंट होने के पहले से जो भी प्रॉपर्टी हस्बैंड का वाइफ के पास है तो उसी को वो रिटेन करके रख सकती है, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया पॉइंट। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो प्रभाव होता है नॉन पेमेंट का वो क्या है कि अगर मान लीजिए वाइफ को उसका हक दैट मीन्स मेहर राशि नहीं मिलता है तो वह मेहर राशि को ले सकती है हस्बैंड से बाय थ्रू कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के द्वारा भी ले सकती है, क्योंकि ऐसे कंडीशन ऐसे सिचुएशन में क्या माना जाएगा, यह माना जाता है कि जो मेहर राशि जो होता है वो क्या होता है एक प्रकार का कर्ज होता है जो कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ से लिया होता है, तो उस कर्ज को वो, ठीक है, वापस ले सकती है। समझ में आ रहा पॉइंट, कैसे, तो कोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे आपको तीसरा पॉइंट में क्या समझना, जो तीसरा प्रभाव है नॉन पेमेंट ऑफ डोअर का, ठीक है, वो यह है कि वाइफ का वाइफ जो है उस डोअर को उस मेहर को ट्रीट कर सकती है एज अ डेट के तौर पे और वो डेट रिकवर करवा सकती है अपने हस्बैंड से थ्रू कोर्ट। क्लियर समझ में आ गया, ये था नॉन पेमेंट। अगर होता है डोअर का तो उसका क्या प्रभाव होगा या फिर वाइफ का क्या राइट बनेगा, ये मैंने आपको बताया, तीन राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। तो अब इस लेक्चर को दोस्तों हम लोग कंक्लूड करते हैं।
आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने सबसे पहले इसके ओरिजिन पे बात किया कि कहां से कॉन्सेप्ट आया, इसके डेफिनेशन को देखा, कुछ रिलेवेंट केस लॉज देखे हम लोगों ने, ठीक है, उसके फिक्सेशन को लेके हम लोगों ने डोर को देखा और समझा कि क्या कॉन्सेप्ट है फिक्सेशन का डोर के दृष्टिकोण से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट पे बात की, उसके बाद हम लोग काइंड्स और नॉन पेमेंट पे वाइफ का क्या राइट बनता है, ये हम लोगों ने सभी बातें इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही, आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।